हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो चलिए चलते चलते हम एक और इम्पोर्टेंट सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में रसगुल्लों हम आपको बताने वाले हैं कि आपको 10 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं जिन्हें एक बार देख करके जाना, क्योंकि 2 से 3 नंबर की बात है। और सारे के सारे जो चित्र हैं बच्चों, सारे फिगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और आपको पता होना चाहिए हर एक सेट में एक चित्र जरूर आए बनाने को। तो चलिए हम देख लेते हैं और आपको ज्यादा भटकना नहीं बच्चों, सारे चित्र को हम साइड में यहां स्क्रीन पर लगा देंगे, इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अभी इसमें आपको हम बताएंगे बच्चों, इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा देख करके साना है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फोकस सबसे ज्यादा किन पर होगा वो हम देखेंगे। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें जो पहला चित्र है, देखिए और सब जो चित्र हैं वो ज्यादातर आपके पहले चैप्टर से ही हैं, ठीक है ना। अभी देखिए यहां से अगर कुछ हम देखेंगे तो यहां तक पहले ही चैप्टर का है, तो पहले वाले जो चैप्टर में सबसे ज्यादा चित्र होते हैं। ठीक, पहला चित्र है कि परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। तो परिपक्व पराग कोश होता है एक अपरिपक्व, तो ये जो है परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनाना है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए वीडियो को रोक करके। ये जो चित्र है बच्चों, ये क्या है, परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, नामांकित चित्र, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। एक परिपक्व हो गया, दूसरा अपरिपक्व, तो ये चित्र भी साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों किसका, कि अपरिपक्व, तो परिपक्व और अपरिपक्व दोनों हो गए, ठीक। चलिए और तीसरा क्वेश्चन है कि बीजांड, तीसरा जो चित्र है बीजांड का नामांकित चित्र, ठीक है ना, कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए हम साइड हो जाते हैं थोड़ा, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। और तीसरा कौन सा चित्र है बच्चों, वो है आम के फल के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। आम का जो फल है उसके, हालांकि ये बहुत पहले पूछा गया है, 2-3 साल हो गए इस क्वेश्चन को, लेकिन भाई जरूरी नहीं है, सब कुछ उल्टा हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि ना पूछा जाए। इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं, इसलिए देख लेते हैं अपन, है ना। सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बच्चों, आम के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, ठीक। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहां पर जो पांचवा चित्र है वो है क्या है, पॉलिनिया, पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाना है। कैसे होता है, बहुत सिंपल है, स्क्रीन पर लगा दिया है, देख लीजिए कि कैसे पॉलिनिया को आपको बनाना है, ठीक। चलिए हो गया। चलिए अगला जो चित्र है वो है शुक्राणु का नामांकित चित्र, शुक्राणु का नामांकित चित्र, ठीक है ना। क्या है स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, और बनाने के बाद सारे जो नामांकित चित्र का मतलब है बच्चों, नाम से अंकित कर दीजिए कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। भाई आपको वर्णन करने की जरूरत नहीं, केवल चित्र बना दीजिए, मिल गए 2 से 3 नंबर, है ना। तो शुक्राणु का नामांकित चित्र कैसे बनाना, स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन, ठीक। हाँ, चित्र लगा दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब नर जनन तंत्र वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है भाई, उल्टा सीधा कुछ भी बना दो, थोड़ा ढंग से बनाइएगा बस, ठीक है ना। पेंसिल का यूज करना है रसगुल्लों, कलम का यानी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, काली नीली से छाप दो, नो पेंसिल, और बहुत ज्यादा धांसा करके पेज में नहीं, हल्के हाथों से बनाया जाता है कोई भी चित्र हो, ठीक। तो क्या है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाना है, स्क्रीन पर देख लीजिए, लगा दिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है यानी अगला जो चित्र है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मादा जनन तंत्र। ये तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा भ्रमित होना नहीं है रसगुल्लों। तो इसको मादा जनन तंत्र को कैसे बनाना है, साइड में लगा दिया है, ठीक। चलिए देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको क्या है, एग्जाम में बनाना है। अगला है बच्चों, वो है अगला की प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र,
ठीक है ना, कि प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं, तो ये भी जनाब हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी जो चित्र 10वां है, डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना का नामांकित चित्र। कोष्टक में लिख भी देगा कि भाई वर्णन की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्र बनाइए। तो ये रहा स्क्रीन में बबुआ किसके, डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना का मतलब क्या है, नामांकित चित्र। ठीक, अच्छे से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गए, तो ये बच्चों आपके 10 क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। अच्छे से रसगुल्लो अपने खोपड़िया में इसको रख लेना है ना, क्योंकि बच्चों कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फिगर हैं, चित्र हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाता है कौन, ये चीज, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आ जाता है पहले नंबर पर, ठीक है ना, पहले वाले चैप्टर में से। हालांकि इन दोनों में भी भाई साहब दोनों में तगड़ा कंपटीशन होता है, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। ठीक, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर हम देखें बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और उससे भी ज्यादा ये दोनों है, ठीक है ना, ये नर जनन तंत्र और मादा। नर जनन तंत्र 2022 में 3-4 सेट में आया था, और सब में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा था। तो अब की उल्टा कर सकता है, इसको सचित्र वर्णन पूछ सकता है और इसका फिगर पूछ सकता, मतलब इसका क्या कहते हैं, इसको सचित्र वर्णन, इसका चित्र। तो दोनों के दोनों ये भी क्या है, इनको भी आप इग्नोर मत करना रसगुल्लो, अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना। तो ये कुछ है बहुत ही ज्यादा, वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी देखा जाए तो इन क्वेश्चन की होती है। बाकी सभी को हमने देख लिया है और सभी को एक बार देख करके जाना है, कोई भी पूछा जाए भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और आपके एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं, जाइए एग्जाम में जमकर फोड़ कर आइए, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा रसगुल्लो, बस इतना ही कहना चाहेंगे।